जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दीपक शर्मा एक बार फिर सापरो चैनल से। जैसे कि आपको पता है कांग्रेस सरकार तो पंजाब से चली गई है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले छोड़ गए जिसे आम आदमी पार्टी को निभाने पड़ रहे हैं। जैसे कि उनके प्रधान चरणजीत सिंह चन्नी ने महिलाओं का भाड़ा माफ कर दिया था पंजाब में, और इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने भी जारी रखा है। कहीं ना कहीं इसका विरोध पंजाब में पूर्ण तौर से हो रहा है पंजाब कंडक्टर्स ड्राइवर्स के द्वारा, क्योंकि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही समय पर और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। हर महीने उनका एक धरना लगता है, उसके बाद उनकी सैलरी उनके अकाउंट में डाली जाती है। और चलिए ये बात तो एक अलग इशू रहा, लेकिन किस प्रकार पंजाब की महिलाएँ बसों में ट्रैवल कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, धक्का मुक्की चल रही है, कहीं ना कहीं डर है हमें भी और समाज को भी कहीं कोई नुकसान ना झेलना पड़ जाए किसी न किसी को। तो हमारी गुजारिश रहेगी पंजाब सरकार से, भाड़ा माफ करने की बजाय एक सामान्य किराया रख दिया जाए सबके लिए, जो जिसमें मर्द भी और औरतें भी बराबर किराया देकर जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं औरतें इस प्रकार बसों में चढ़ती हैं और सफर करती हैं कि कहीं ना कहीं वो बस से गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। वो भर भर कर पंजाब की बसें जा रही हैं इस समय, और वो भी बिल्कुल फ्री में। कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान है इस चीज़ का, क्योंकि सरकार अगर घाटे में जाएगी तो हमें नहीं लगता कि हमारा पंजाब तरक्की कर पाएगा। और जो हालात हैं इस समय बने हुए हैं पंजाब की पीआरटीसी बसों के, तो वो तो सिर्फ एक घूमने फिरने का मेले की तरह जा रही हैं और मेले की तरह ही आ रही हैं, और मर्द बेचारा किराया भी देता है और खड़ा होकर भी जाता है धक्का मुक्की में। क्या है आपकी राय इसके बारे में, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या चाहते हैं आप कि पंजाब सरकार को ये चीज़ें बंद कर आम ट्रांसपोर्ट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट है उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही खाली जा रहे हैं। औरतें सारी पीआरटीसी में आती हैं और वो बेचारे 20-30 सवारियां लेकर इधर उधर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी खर्चे निकल पा रहे। और अगर ऐसे चलता रहा तो टैक्स जो भरती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो भर नहीं पाएंगे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्ण तौर से बंद हो जाएगा और लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा। तो क्या है आप लोगों की इसके बारे में राय, हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। हम आपके लिए लेकर ऐसी ही खबरें पेश होते रहेंगे। धन्यवाद, मैं हूँ आपका दीपक शर्मा।